पेनी शेयर जो कि भविष्य में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। एंड वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो मात्र ये स्टॉक आपको 1 से 2 रुपए के बीच में देखने को मिलेंगे। जिनके टारगेट्स की बात करूं तो ये आपको नेक्स्ट टाटा स्टील एंड साथ ही साथ देखेंगे तो JSW स्टील बनते हुए दिखाई देंगे। सो इन दोनों के साथ कंपेरिजन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी स्टॉक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये सब के साथ आपको स्टील सेक्टर से जो है बिलोंग करते हुए दिखाई देंगे, जो कि 1-2 रुपए के पेनी स्टॉक है बट फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड सभी के अभी जो है आपको डेट फ्री देखने को मिलेंगे जिसके अंदर प्रमोटर लगातार जो अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। सो भाई बहुत अच्छा खासा मौका है आपको इसके अंदर बाइंग करने का और जिसमें रिटर्न्स की बात करें तो कई गुना होने वाला है। सो कौन से वो शेयर है उनकी तरफ चलते हैं बारी बारी से। सो उससे पहले बता दूं चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जो हमारी डेली बेसिस पर वीडियोज होती हैं आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस पहला स्टॉक जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, 3.90 रुपए का प्राइस चल रहा है इसके अंदर। प्रीवियस कलर से स्टॉक 4% के अपर सर्किट में देखने को मिल रहा था। एंड यही स्टॉक जो है अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको करीब करीब बहुत नीचे जो है सजेस्ट किया था, जब इसके टारगेट्स आपको 90 पैसे के आसपास देखने को मिल रहे थे तब मैंने इसको बाइंग के लिए सजेस्ट किया था। एंड इसमें देख सकते हैं करीब करीब 4 से 5 गुना जो है स्टॉक ने रिटर्न बनाकर दे दिए हैं मात्र अगर आप देखेंगे 4 से 6 महीने के अंदर। सो इसके टारगेट्स की बात करें तो आपको बहुत ऊपर तक देखने को मिल जाएंगे, अभी भी बहुत से लोग ये समझ ही गए होंगे। सो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा कंपनी स्ट्रांग है और इसके कामकाज की बात करें तो स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मेटल एंड माइनिंग का काम है इस कंपनी का। साथ ही साथ इसके मार्केट कैप पर नज़र डालेंगे तो करीब आपको 52 करोड़ का मार्केट कैप है जिसका करंट प्राइस अभी 3.75 रुपए का देखने को मिल रहा है। वहीं इसके बुक वैल्यू की बात करें तो आपको 21.09 रुपए का जो इसका बुक वैल्यू देखने को मिल रहा होगा। आप भी जानते हैं स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे मिल रहा है। दूसरी पॉजिटिव बात बताऊं इसकी, इसका फेस वैल्यू जो है आपको 10 रुपए का देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनी स्ट्रांग है। 10 रुपए का जो इसका फेस वैल्यू है मतलब कि आने वाले समय में आपको 1:10 का जो है स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। एंड बुक वैल्यू से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा देखने को नीचे मिल रहा है। एंड वहीं दूसरी ओर इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रही है। एंड वहीं दूसरी ओर इसके सेल्स वगैरह की बात करेंगे तो अभी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसके फाइनेंशियली प्रॉफिट एंड लॉस पे नज़र डालेंगे तो आपको लास्ट 2015 का जो है इसके अंदर डाटा देखने को मिलेगा। एंड वहीं इसके डेब्ट्स वगैरह की बात करें तो इसके बैलेंस शीट में देख सकते हो गाइस लगभग जो है 1200 करोड़ के जो है इसके ऊपर डेब्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि 2015 में हुआ करते थे। एंड अभी के डाटा के हिसाब से सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ आपको तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिल रहा होगा प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, 71.02% की होल्डिंग है। जिसके बाद पब्लिक की बात करें तो करीब करीब 30 या 29% की होल्डिंग जो है आपको पब्लिक के पास देखने को मिलेगी। सो काफ़ी शानदार जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है और वन ऑफ द बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिलेगा जो कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली नेक्स्ट टाटा स्टील आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो मात्र 3 रुपये के प्राइस पर अभी मिल रहा है, सो जितना हो सके इसको उठा लो। अगर क्योंकि अगर कंपनी के फाइनेंशियली बातचीत करोगे तो देख सकते हो रेवेन्यू नेट इनकम जो आपका डाटा है 2021 में लगातार कंपनी ग्रोथ करती जा रही है और इसके नेक्स्ट टारगेट बहुत ऊपर तक देखने को मिलने वाले। So, सबसे पहले शेयर का नाम बता दूं तो गाइस देख सकते हो अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। काफी अच्छा खासा स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर और इस लेवल पे आपने बाय कर लिया तो नेक्स्ट आपको 2 से 5 सालों के अंदर स्टॉक जो है आपको डेफिनेटली 200 से 300 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करें इसके तो देख सकते हो इसकी लिस्टिंग ही आपको करीब करीब 15 से 18 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। एंड वहां से कंपनी में गिरावट आई थी बट अब फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, चार्ट जो है तेजी से ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है एंड इसके टारगेट्स आपको बहुत ऊपर तक देखने को मिल जाएंगे। सो चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। सो गाइस दूसरा स्टॉक आप देख सकते हैं 6.10 रुपए की प्राइस देखने को मिल रही है एंड ये स्टॉक आपको मैंने लगभग 70 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था। एंड वहां से करीब करीब अगर आप देखेंगे तो ये आपके पैसों को करीब करीब 8 गुना कर चुका है। एंड मैंने भी स्टॉक को जो है 70 पैसे से 90 पैसे के बीच में 2 बार बाइंग की है एंड मेरा पैसा इसने करीब करीब अगर आप ध्यान देंगे तो करीब 7 से 8 गुना कर चुका है। और इसके टारगेट्स की बात करूं तो बहुत ऊपर तक जाते हुए देखने को मिलेंगे और इसको मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करने वाला हूं। बहुत अच्छा खासा स्टॉक है जिसके अंदर फाइनेंशियली देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर इसके नेट के इनकम की बात करें तो बहुत शानदार जो इसके नेट इनकम है इस बार के। एंड वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो लास्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी में थोड़े से डाउंस आए थे बट कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिकवर भी किया है, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट की बात करें या नेट प्रॉफिट मार्जिन की एंड साथ ही साथ नेट इनकम की सब कुछ आपको ग्रोथ के साथ जो है देखने के लिए मिलने वाला है।
एंड इसके फंडामेंटली गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड प्रीवियस क्लोज से स्टॉक आज भी जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 4.5% के अपर सर्किट के साथ है, जिसके अंदर 25 पैसे की जो है लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड वहीं पिछले 5 दिन के अंदर देखेंगे तो 22% का जो है काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है इसके अंदर। एंड वहीं दूसरी ओर देखेंगे 1 मंथ के चार्ट के अंदर स्टॉक ने 103% का काफ़ी शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। सो अभी देखेंगे स्टॉक का नाम तो देख सकते हो, एलॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके ऊपर डेफिनेटली मैं एक स्पेशल वीडियो बना भी चुका हूँ, और इस स्टॉक को मैंने 70 पैसे के आसपास बाय किया था एंड आपको भी सजेस्ट किया था, वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छे खासा रिटर्न दिया है। और इसके टारगेट्स की बात करूँ तो नेक्स्ट आपको ये JSW स्टील को टक्कर देता हुआ दिखाई देगा, अगर आपने इसके ऊपर लंबी अवधि का जो है नज़रिया बनाकर रखा। ठीक है, सो चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। सो गाइस अगला स्टॉक आप देख सकते हो मात्र 2.60 रुपए का देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको छोटा सा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। और वहीं 5 दिन के चार्ट में देखोगे तो करीब करीब 2% की तेजी भी देखने को मिल रही है, और वहीं पिछले 1 महीने के चार्ट में देखोगे तो 26% का काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है कंपनी ने, और 6 मंथ के चार्ट में देखोगे तो 246% का काफी शानदार आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, और अच्छी खासी जो है स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक सपोर्ट लेकर स्ट्रांग तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड पिछले 1 साल की बात करें तो आपको स्टॉक 300% का रिटर्न दे चुका है, मतलब किसी ने इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो डेफिनेटली उनका पैसा 3 गुना होकर करीब 3 लाख रुपये में चेंज हो चुका है परफेक्टली आज के डेट में। ठीक है, सो इसके मैक्सिमम चार्ट पे अगर आप नज़र डालोगे तो देख सकते हो इसकी लिस्टिंग ही आपको करीब करीब 22 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी, एंड वहाँ से सन 2010 के बाद से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिला, एंड स्टॉक जो है एकदम गिरकर पैनी स्टॉक हो गया था। और इसके लेवल की बात करें तो देख सकते हो 20-25 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड किया करता था, एंड वहाँ से अगर आप ध्यान दो तो कंपनी अब एक अच्छा खासा फाउंडेशन बना रही है, अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, एंड कंपनी एकदम डेट फ्री हो चुकी है। एंड इसके अगर फंडामेंटल्स की बात करें अगर हम तो फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। सो गाइस स्टील वेल्डेड पाइप से रिलेटेड कामकाज करने वाली इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 47 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका करंट प्राइस आपको 2.60-2.70 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसका अगर भावनिक हाई की बात करें तो 2.98 रुपये तक गया था, वहाँ से छोटी सी रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल रही है। एंड वहीं अगर आप ध्यान देंगे इसके स्टॉक पी की तो आपको 8.82 का जो है इसका स्टॉक पी आपको नॉर्मल सा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। एंड वहीं इसके बुक वैल्यू के देखेंगे तो करीब -12.4 देखने को मिल रहा है, तो अच्छा खासा जो इसके बुक वैल्यू है। एंड इसके अंदर प्रोज की बात करें तो भाई देख सकते हो कंपनी लगातार अपना रिड्यूस करती जा रही है डेप्स को, एंड अच्छे खासे रिजल्ट को जो है अनाउंस करने की जो है कंपनी की एक चांसेस देखने को मिल रही है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसके सेल्स को देखेंगे लगातार जो है सेल्स कंपनी पॉजिटिव दे रही है, एंड पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी सेल्स में ग्रोथ भी करती हुई दिखाई देगी, क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी ग्रोथ कर रही है, जिसकी वजह से अगर इसके नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी जो लॉस में चली गई थी धीरे धीरे वापस से आपको ग्रोथ के अंदर देखने को मिलेगी। एंड पिछले ही क्वार्टर में कंपनी को करीब करीब 52 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर जो है 1.5-2 करोड़ का नुकसान था। सो काफ़ी शानदार जो कंपनी ने रिजल्ट दिए हैं। वहीं इसके ईयरली बेसिस पे बात करोगे तो एक टाइम पे कंपनी के 600, 700, 800, 1000 करोड़ तक के जो है सेल्स हुआ करते थे, एंड उसी के साथ देखेंगे इसके नेट प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट भी आपको धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई दिया, एंड जिसके अंदर करीब 248 करोड़ तक के नेगेटिव आपको रिजल्ट भी देखने को मिले। बट वहीं अगर आप सेल्स वाइज देखेंगे तो 2018 के बाद से कंपनी वापस से जो है सेल्स अच्छे खासे लॉस में ही दे रही थी, बट उसके मुकाबले अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी तेज़ी से और अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। एंड वहीं इसके बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो कंपनी के डेब्ट्स जो हैं आपको इस बार काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखाई देंगे, 243 से घटकर मात्र 152 करोड़ तक के जो है इसके डेप्स हो गए हैं। बट इसके रिजर्व्स की बात करें तो ये आपको थोड़े से नेगेटिव में देखने को मिल जाएंगे। और वहीं इसके असेट्स की बात करें तो आपको 30 करोड़ के जो है इसके असेट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एंड वहीं इसके डेप्टर्स रेस पे अगर आप ध्यान दोगे तो वो आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी अपने डेप्टर्स रेस को जो है लगातार इम्प्रूव करती जा रही है। एंड वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी शानदार होल्डिंग है 48% की, जो कि आपको कंसोलिडेट होती हुई दिखाई देगी। एंड आप FIIs का देखेंगे तो करीब 2.5% की होल्डिंग ले रखी है FIIs ने, एंड DIIs के पास कोई होल्डिंग नहीं है, एंड 50% की होल्डिंग अगर आप ध्यान देंगे तो पब्लिक के पास देखने को मिलेगी। सो जितने भी शेयर मैंने आपको तीनों बताए हैं काफ़ी स्ट्रांग है, भविष्य में अगर आपने इन लेवल पर हर स्टॉक के अंदर जो है 1000 क्वांटिटी बाय कर ली तो आप भविष्य में ज़रूर करोड़पति बनते हुए दिखाई देंगे। और इनके लेवल की बात करें तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द ये सारे स्टॉक
स्टॉक आपको 500 रुपए के भी प्लस जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो इस स्टॉक का नाम क्या है, सबसे पहले आपको नाम दिखा दूं, प्रकाश स्टीलेस लिमिटेड जो है कंपनी का नाम है, जो कि वेल्डेड पाइप्स एंड हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के अंदर जो है कामकाज करती है। सो गाइस, इन तीनों स्टॉक को आप भूल कर भी छोड़ना मत, और जैसे कि मैंने बताया इसके मैक्सिमम चार्ट में बहुत जल्द इसको क्रॉस करके स्टॉक बहुत ऊपर तक जाएगा। बाकी इन तीनों स्टॉक से रिलेटेड कोई भी मेरा क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं आपको यही कहूंगा, तीनों स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जरूर खरीदें, मल्टीबैगर स्टॉक है, भविष्य में आपको बहुत अच्छा खासा पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो समझ में अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब।